दिल्ली से एक बड़ी खबर है। बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल की क्या तैयारी चल रही है, सवाल बड़ा है। एक बड़ी बैठक हुई है, ये बहुत बड़ी बैठक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद पीएम मोदी के साथ बैठक की। अमित शाह और बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कल देर शाम पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक हुई है, जानकारी मिली है। पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष, बड़े नेता हैं ये बीजेपी के, ये मौजूद रहे। मोदी कैबिनेट में भी क्या फेरबदल होगा? सूत्रों के हवाले से तो खबर मिल पाई है कि ऐसा हो सकता है। अब नजर बनी रहेगी क्योंकि एक साल से भी कम समय अब बचा है। अब देखिए ना कि जून का महीना चल रहा है, अगले साल जून तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अगर सब कुछ समय के अनुसार चलता रहा तो हमारे साथ अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। इस बैठक के मायने दर्शकों को समझाइए, बताइए अनिल मोर। देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक कमल देर शाम हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, ये चारों नेता थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी में सरकार में जितने भी बड़े फैसले लेते हैं ये मिलकर लेते हैं। तो इस बैठक का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक में कहीं ना कहीं सरकार और संगठन से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। तो काफी दिनों से चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, फेरबदल कब होना है, इसको लेकर कयास लगाए जाते हैं। लेकिन कल जो देर शाम बैठक हुई है इसमें कहीं ना कहीं मोदी मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल को लेकर कमल इसमें चर्चा हुई है। अब संभावना है कि जल्दी ही मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी केंद्रीय संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होने, उस बदलावों को लेकर भी कहीं ना कहीं इन चारों नेताओं की महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। क्योंकि भी अगर बात करें जेपी नड्डा की टीम की बात करें, जो संगठन की बात करें, उस संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होना है तो किस तरीके से बदलाव हो सकता है, संगठन के कौन से चेहरों को सरकार में लिया जा सकता है, सरकार के ऐसे कौन से चेहरे हैं जिनको संगठन में लिया जा सकता है, इन विषयों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके अलावा क्योंकि कई राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ और भी जो सरकार संगठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा क्या कुछ रही, किस तरीके का है, ये कहीं ना कहीं जो असर है आने वाले कुछ दिनों में दिखने को मिल जाएगा जब मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा, संगठन में बदलाव होगा। कमल, धन्यवाद, आपने जानकारी दी इस खबर को लेकर और बताया है कि ये बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर तो तैयारी चली रही है, लेकिन क्या संगठनात्मक बदलाव वाकई में होने वाले हैं, क्या मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा, इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल सकता है।